गाड़ी में मैं आ रहा था तो मैंने रामलाल ठाकुर जी से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि वो इंटरनेशनल कबड्डी के प्लेयर हुआ करते थे, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, हिमाचल प्रदेश के कैप्टन रहे और सालों के लिए उन्होंने कबड्डी खेली। उनके गुरु थे, कोच थे, कोच की बात सुनते थे, टीम के साथ खेलते थे, अलग अलग लोगों का अलग काम। जब ये जाते थे, दूसरे पाले में जाते थे, तो इनके साथ इनका कोच का ज्ञान जाता था, इनकी टीम की शक्ति जाती थी। ये अकेले नहीं जाते थे, नहीं, पूरी की पूरी टीम जाती थी। आपका शरीर जाता था मगर आपके साथ बहुत लोगों की भावना जाती थी। कबड्डी मैच चल रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की टीम, उधर उधर पहला काम, जैसे अभी यहां वीरभद्र सिंह जी यहां आए, मैं उनको यहां लाया। क्यों लाया? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, गुरु हैं, एक्सपीरियंस है। छह बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मैं क्यों नहीं उनका आदर करूंगा? उन्होंने हिमाचल प्रदेश को सिखाया, हिमाचल प्रदेश से सीखे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सालों उनको समर्थन दिया। जब वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की आशाएं, हिमाचल प्रदेश का दर्द, हिमाचल प्रदेश का दुख, उसकी हिमाचल प्रदेश की खुशी इनके मुंह से निकलती है, तो आदर करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, कबड्डी का मैच, पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही कोच को दो चाटे मारे, धड़क से चाटे मारे अडवाणी जी को, धार से मारा, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कुछ नहीं मालूम। पत्रकारों ने पूछा नरेंद्र मोदी जी को कौन हरा सकता है, नरेंद्र मोदी ने 5 मिनट भाषण दिया, नरेंद्र मोदी को सिर्फ नरेंद्र मोदी हरा सकता है। अच्छा ठीक है, पहले कोच को झापड़ मारा, फिर उनकी टीम थी, गडकरी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, उन्होंने उनसे कहा मोदी जी उधर कांग्रेस के पाले में मत जाना, अकेले मत चले जाना। मोदी जी कहते कैसे नहीं जाऊंगा, तुम लोगों की क्या जरूरत है, मैं तो जा रहा हूं। घुस पड़े और हमारी टीम ने नरेंद्र मोदी को पकड़ लिया। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे पाले में हैं और हमने उनको, एक ने नहीं, सबके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बब्बर शेरों ने, नेताओं ने, वीरभद्र सिंह जी ने पट पकड़ लिया। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे साइड में, हमारे हाथ में हैं। अब नहीं निकल सकते नरेंद्र मोदी जी, अब बस कबड्डी 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 बोल रहे हैं। 10-15 सेकंड और चलेगा और फिर वो भी शांत हो जाएगा, सांस टूट जाएगी, खत्म। मगर कारण क्या है, देखिए उनसे भी सीखना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी टीम है, जो उनके लोग हैं, उनकी इज्जत नहीं की, चाहे वो अडवाणी जी हो, चाहे वो गडकरी जी हो, हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो, ठीक है हमारी विचारधारा अलग है उनसे, हम लड़ते हैं उनसे, मगर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम का प्रयोग नहीं किया। अब जब आप जाते थे कबड्डी खेलते थे
सिर्फ आपकी टीम आपको मदद नहीं करती थी, भीड़ भी आपको मदद करती थी। भीड़ में जो जोश था वो आपके अंदर आता था। नरेंद्र मोदी जी ने भीड़ की भी बात नहीं सुनी, ठीक है छोड़ो, कोच का अपमान कर दिया, अपनी टीम का अपमान कर दिया, मगर भीड़ की भी बात नहीं सुनी। बिना किसी से पूछे, हिंदुस्तान की जनता से नहीं पूछा, 8 बजे रात को कहते हैं भैया मुझे लग रहा है कि 500 रुपए 1000 रुपए का नोट मैं रद्द कर दूं, कर दिया। किसी से नहीं पूछा, आरबीआई से नहीं पूछा। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, दुकानदार, इन्होंने कुछ गलती नहीं की थी। ये हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, अपने परिवार के लिए काम कर रहे थे, खून पसीना रोज दे रहे थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। नरेंद्र मोदी ने कहा मैं प्रधानमंत्री हूं, जो भी दिल में आएगा मैं करूंगा, मुझे किसी की कोई सुनने की जरूरत नहीं। 15 लोगों का काम किया, अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या। आप देखिए, पहले हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी में भरोसा किया था। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, आज देखिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये काम सच बताऊं तो कांग्रेस की टीम में नहीं पकड़, ने भी नहीं पकड़ा है, ये हिंदुस्तान की जनता ने और सच्चाई ने नरेंद्र मोदी को पकड़ के दबा दिया है और नहीं निकल सकते। अब मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज से बताऊं, चुनाव खत्म, बात खत्म, नरेंद्र मोदी खत्म, फिनिश, हो गया काम। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस देश की जो शक्ति है, इस देश की शक्ति की बात ही नहीं सुनी। अब यहां जो पुरुष आए हैं गुस्सा मत होना, महिलाओं ने कहा देखिए राहुल जी आप 72,000 रुपए डालेंगे साल के, 72,000, 5 साल के 3,60,000, एक काम कीजिए आप महिला के बैंक अकाउंट में पैसा डालना, पुरुषों के बैंक अकाउंट में मत डालना। अब आप मुझसे गुस्सा होगे कि भैया नहीं, ये आपने कैसी बात कर दी, मगर जो हमारी माताओं बहनों ने कहा वो हमने किया। 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में न्याय योजना का साल का 72,000 रुपए, 5 साल का 3,60,000 रुपए सरकार डालेगी, इनकी जिंदगी बदल जाएगी, इनके परिवारों की जिंदगी बदल जाएगी और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट होगी। जनता की आवाज ने और सच्चाई ने नरेंद्र मोदी जी को पकड़ लिया और नरेंद्र मोदी अब जहां भी जाते हैं भाषण नहीं दे पाते, ना बेरोजगारी की बात कर सकते हैं, ना किसानों की बात कर सकते हैं, ना महिलाओं की बात कर सकते हैं, ना भ्रष्टाचार की बात कर सकते हैं। जाते हैं राजीव गांधी जी के बारे में बोलेंगे, इंदिरा गांधी जी के बारे में बोलेंगे, ठीक है बोलो मोदी जी बोलो, जो भी आपको बोलना है बोलो, जितनी नफरत आप में है आप मेरे ओर फेंको, मेरी ओर फेंको, और मैं आपको इतनी भी नफरत वापस नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ प्यार वापस दूंगा, जितनी नफरत आप मेरी ओर फेंकोगे उतना प्यार मैं आपको देता रहूंगा। आपने मेरे पिता का अपमान किया, मैंने ट्वीट में आपको प्यार दिया। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और ये जो बब्बर शेर आए हैं यहां पे इनके जैसा हूं, जो जितने भी आप नफरत फेंकोगे हम आपको प्यार देंगे। और प्यार से नरेंद्र मोदी जी, प्यार से हिमाचल प्रदेश की जनता आपको हराने जा रही है, प्यार से कांग्रेस पार्टी को 4 की 4 यहां सीटें मिलने जा रही है। तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। यहां हमारे जो कैंडिडेट हैं रामलाल जी आपके लिए काम करेंगे, न्याय योजना का वहां बटन दिल्ली में दबाएंगे, कांग्रेस की विचारधारा की रक्षा करेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूं जो इन्होंने मुझे बताई, यहां पे बीजेपी के लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिलवाएं। भैया कितने 1,000 करोड़ रुपए की बात की थी, 65,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार हिमाचल प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देगी। भैया कितना पैसा दिया, यहां आप बोल दीजिए।
अच्छा सुनाई देगा, कितना पैसा दिया भैया? जीरो सर, जीरो। तो यह है बीजेपी की सर सच्चाई, झूठे वायदे, खोखले शब्द, बुजुर्गों का अपमान, मगर काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी सच्चाई बोलेगी और जो आपने हमारे स्टेट से सुन लिया वो हम आपको करके दिखा देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।